हमारे पृथ्वी पर समय के साथ अलग अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो मौसम के मामले में हो या फिर हमारे समुद्र के जल स्तर में बढ़ना या फिर घटना हो, और यहाँ तक कि पृथ्वी के प्लेटों के बीच में भी समय समय के साथ काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी का नतीजा ये है कि हमारे पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जिसे हम बाल कनाटोलिया के नाम से जानते थे लगभग आज से 50 मिलियन साल पहले, वो अचानक से खो गया और उसके बारे में किसी को अता पता भी नहीं था कि आखिर वो भूभाग कहाँ पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बाल कनाटोलिया, एक ऐसा महाद्वीप का हिस्सा जो कि आज से 50 मिलियन साल पहले कभी अपने अस्तित्व में था, और सिर्फ अस्तित्व में ही नहीं था बल्कि ये यूरोप को एशिया से जोड़ता था और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जिनके लिए एक पुल की तरह काम करता था कि एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया में आने जाने का। इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं टर्की के आसपास, लेकिन हाल ही में पैलेंटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इसको खोज निकाला है और उनका कहना ये है कि ये आज भी अपने मूल जगह से थोड़ा हटके है लेकिन उसका अस्तित्व पाया जाता है। रिसर्चर्स का कहना ये है कि ये एक ऐसा भूभाग हुआ करता था जो समुद्र तल से काफ़ी नीचे होने की वजह से एक समय के बाद अपने अस्तित्व को खो चुका था, लेकिन ये उस समय भी अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में ही पाया जाता था। इस कारण इस बात का थोड़ा अंदाज़ा लगाना आसान हो गया कि आखिर ये पड़ किस जगह सकता है। रिसर्चर्स को इस जगह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं जो कि पहले आज से 50 मिलियन साल पहले हुआ करते थे, और इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ जानवर यूरोप में जाया करते थे और यूरोप से एशिया में आया करते थे। रिसर्चर्स की एक टीम जो कि फ्रांस, अमेरिका, टर्किस के रिसर्चर्स की टीम थी, उन्होंने पाया कि प्रेजेंट डे में ये जो स्थान है यह बालकंस और एनाटोलिया के मध्य में पाया जाता है, जिसको हम ग्लोब पे यूरोप और एशिया के बीच में आराम से देख सकते हैं। कहते हैं कि इस जगह पर पहले घोड़ों की एक ऐसी प्रजाति हुआ करती थी आज से 50 मिलियन साल पहले, जो कि आज के प्रेजेंट डे के घोड़ों से लगभग सिमिलरी होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप में बहुत अनोखे थे। उनके कुछ अवशेष आज भी इन स्थानों पर मिलते हैं। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका दावा ये है कि पृथ्वी पर आज से 50 मिलियन साल पहले एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती थीं जो कि आज हमें देखने को नहीं मिलती। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एशिया में पाए जाने वाले जीवों के लिए ये स्थान एक पुल की तरह काम करता था जो कि उनको यूरोप में जाके एक ठंडे प्रदेश में बसने का मौका देता था, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल शॉर्टकट होता था। हालांकि यूरोप से भी कुछ जीव जंतु और मैमल्स, स्तनधारी एशिया में आकर बस गए थे। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो उस समय एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसी स्थान का यूज़ किया करते थे, जिसे हम बाल कनाटोलिया के नाम से आज जानते हैं, जो कि आज से 50 मिलियन साल पहले बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा था।